देश की दूसरी सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी भारतीय एयरटेल ने अपने गुजरात सर्कल में 2300 मेगाहर्ट्ज बैंड में 10 मेगाहर्ट्ज अतिरिक्त स्पेक्ट्रम को जोड़ा है। इसके साथ ही साथ कंपनी ने नेटवर्क सॉफ्टवेयर और टूल्स जैसे कि प्री 5G, मैसिव मीमो, 4G एडवांस और कैरियर एग्रीगेशन को पूरे राज्य में नेटवर्क क्षमता और कवरेज बढ़ाने के लिए तैनात किया है। आसान शब्दों में बताई जाए तो अब गुजरात सर्कल के एयरटेल ग्राहकों को हाई स्पीड इंटरनेट का अनुभव मिलेगा, साथ ही साथ कनेक्टिविटी में भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको बता दें कि हाल ही में हुई स्पेक्ट्रम नीलामी के दौरान भारतीय एयरटेल ने अपने गुजरात सर्किल के लिए 10 मेगाहर्ट्ज अतिरिक्त स्पेक्ट्रम का अधिग्रहण किया था। इसी स्पेक्ट्रम की तैनाती अब भारतीय एयरटेल अपने गुजरात सर्किल में कर चुकी है। इस नए स्पेक्ट्रम के साथ अब गुजरात सर्किल में भारतीय एयरटेल के पास 2300, 1800 और 900 मेगाहर्ट्ज बैंड में 70.4 मेगाहर्ट्ज अतिरिक्त स्पेक्ट्रम का पोर्टफोलियो है। गुजरात सर्किल के ग्राहकों के लिए कंपनी हाई स्पीड डेटा सेवाओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अच्छी स्थिति में है और कंपनी का नेटवर्क 5G सेवाओं के लिए पूरी तरह से तैयार है। हाल ही में एयरटेल ने 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड में कर्नाटक सर्किल में 11.2 मेगाहर्ट्ज और 5 मेगाहर्ट्ज तमिलनाडु सर्किल में अतिरिक्त स्पेक्ट्रम जोड़ा है। कंपनी ने यह भी ऐलान किया है कि धीरे धीरे वह यूपी ईस्ट, केरल, बिहार, ओडिशा और झारखंड सर्किल में भी 900 मेगाहर्ट्ज बैंड में अतिरिक्त स्पेक्ट्रम को जोड़ेगी। साथ ही साथ कंपनी 1800 और 2300 मेगाहर्ट्ज बैंड में पंजाब, एमपी और ओडिशा में अतिरिक्त स्पेक्ट्रम को जोड़ेगी। वर्तमान समय में देश की दो बड़ी दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल के बीच अतिरिक्त स्पेक्ट्रम जोड़ने का खेल चल रहा है। दोनों ही कंपनियां जोर शोर से अपने सभी सर्कल्स में अतिरिक्त स्पेक्ट्रम को जोड़ रही है ताकि ग्राहकों को हाई स्पीड इंटरनेट और बेहतर कनेक्टिविटी का अनुभव मिले। आपको बता दें कि हालिया स्पेक्ट्रम नीलामी में भारतीय एयरटेल ने 355.45 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम 18,699 करोड़ रुपया में खरीदा था। कंपनी अब इन्हें स्पेक्ट्रम्स की तैनाती अपने सभी सर्कल्स में कर रही है। टेलीकॉम न्यूज की रिपोर्ट।